मोनिट्री पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मेजर पॉलिसी अडोप्टिड बाई अ कंट्री एंड इट इज़ गड बाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान इट कैन अफेक्ट प्राइस लेवल इट कैन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई कैसे इसको इसकी वजह से मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होती है और कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं बेसिकली uh, जो मोनिट्री पॉलिसी है उसकी दो टाइप्स हैं एक को हम कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आजकल भी पाकिस्तान ने अडोप्ट की है अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को बढ़ाया गया है इसलिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं यह एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतों को कैसे कम किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी का एक पर्पस प्राइस लेवल को कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान वांट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग बैंकों से कम पैसे लेंगे जब बैंकों से कम पैसे लेंगे तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे कम होंगे तो वो कम खर्च करेंगे जब वो कम खर्च करेंगे तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी उसके मुकाबले में ई सी पॉलिसी का मतलब ये है कि हकूमत ये चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए मुल्क में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है तो उसकी वजह से लोग बैंकों से लोन लेने के लिए तैयार होते हैं उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फर्दर खर्च करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं तो ये इजी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है उसको तो हम एक सिंपल मेकानिज़म के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं तो अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो इसको हम कहेंगे कि ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है इसके लिए हुकूमत ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज़ कर सकती है रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा सकती है सिंपल रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को बढ़ा सकती है तो मनी सप्लाई को जब कम किया जाएगा या रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इज़ बेसिकली द प्राइस ऑफ मनी तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगी जब मनी सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे कम होंगे मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो वो क्वांटिटी डिमांड को कम डिमांड कम करेंगे चीज़ों की और उसकी वजह से प्राइसिस कम हो सकती हैं ये ज़रूरी नहीं कि प्राइसिस इसकी वजह से कम हो जाएं, लेकिन जब आप रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये कि लोग सेविंग की तरफ जाते हैं सेविंग्स बढ़ जाती हैं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ाने से सेविंग्स तो बढ़ गई लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के कम होने से प्रोडक्शन कम होगी और प्रोडक्शन से कम होने से एम्प्लॉयमेंट भी नीचे जाएगी और जब एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर या इनकम कम हो जाती है और इनकम के कम होने से डिमांड कम होती है तो ये एक पूरा मेकनिज़म है ये कहाँ पे जा कर रुके, रुकेगा इसको कंट्रोल करना बाज दफ़ा हुकूमत के बस में नहीं रहता सिंपल बात ये है कि टाइट मोनिटरी पॉलिसी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है परपज़ इसका ये होता है कि आप किसी तरह प्राइसिस को कम कर दें हमने पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस किया है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों की कीमतें उनकी शॉर्टेज की वजह से बढ़ती हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है उसकी सप्लाई कम है अब उस डिमांड को मीट करने के लिए अगर आप लोगों से पैसे ही ले लेंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो ये लोग आटे की डिमांड को तो कम नहीं करेंगे लोग इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को तो कम नहीं करेंगे जब किसी चीज़ की शॉर्टेज ही पूरी ना हो तो उसकी कीमतें कैसे कम हो सकती हैं अल्टीमेट सोलूशन तो यही होता है कि आप उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएँ आप उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाएँ तो उसकी जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी कीमतें कम होंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से तो सारी चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होती है सो विच पॉलिसी इज़ बेटर फॉर इकानोमी टाइट और ईजी मॉनिटरी पॉलिसी कौन सी चीज़ बेहतर होती है लोगों के लिए क्या बेहतर है आम तौर पर जब भी हुकूमत पाकिस्तान ने टाइट मोनिट्री पॉलिसी को एडॉप्ट किया है तो उसके पीछे जो उनकी थिंकिंग है जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं उनकी थिंकिंग ये होती है कि वी वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन देर इज़ एक्सेस मनी सप्लाई इन पाकिस्तान आमतौर पे हम ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत धड़ा दड़ नोट छापती रहती है वो नोट हैं किधर मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि डू पीपल ऑफ़ पाकिस्तान इन जनरल आम तौर पर क्या पाकिस्तान के लोगों के पास वाक़ता इतने पैसे हैं कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो बच्चों को पढ़ा सकें अपने बच्चों की सेहत के लिए ख़र्च कर सकें अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ख़र्च कर सकें बहुत से लोगों के पास होते हैं बहुत बड़े तबके के पास नहीं होते तो लोगों के पास तो पैसे पहले ही नहीं हैं तो फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना आ, समझ से बालातर है क्वेश्चन को ग़ौर करें गरीब लोगों के पास तो पैसे नहीं हैं सफ़ेद पोस्ट तबके के पास जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं बाद दफ़ा वो बच्चे हमें बताते हैं कि इस दफ़ा मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं फ़ीस देने के लिए लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पोस्टपोन करके बैठे हुए हैं इसलिए इस सिस्टम को रिवाइज करने की ज़रूरत है जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें यह देखें कि लोग क्या चाहते हैं जब आप लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए So that is why monetary policy is very important, and we will discuss it in detail in coming modules.